वेलकम स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के करीब 3 चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के क्वेश्चंस करवाए थे, और आज मैं आपसे जो चैप्टर 4 है वो स्टार्ट करूँगी, तो उसके आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगी। तो इससे पहले जिसने भी हमारे वीडियोस पहले के नहीं देखे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर के, एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं और बार बार आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे रेडी रहो इसका पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 जो है हमारा विचार, विचारक, विश्वास और इमारतें, आज इसके क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो हम आज फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। आपको बताना है महात्मा बुद्ध के बारे में, आप जानते हो जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि वहाँ पे उनको जो उनको ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बोधगया, ठीक है। महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर ये आता है कि बोधगया है कहाँ, तो बोधगया बिहार में है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक जो पुस्तक है वो हमें किस धर्म में देखने को मिलती है, शैव धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में या फिर बौद्ध धर्म में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म में है। आपने सुत पिटक, विनय पिटक और अध्यम्य पिटक के बारे में पढ़ा होगा, इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। इसका आंसर है हमारा जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म इसका राइट आंसर है। जैन धर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जैन धर्म बाद में 2 भागों में बट गया था, ठीक है। उसमें भी एक मतलब एक अलगाव सा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें एक आते हैं श्वेतांबर और दूसरे आते हैं दिगंबर। श्वेतांबर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, श्वेतांबर जो है वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करते थे, और जो दिगंबर है वो माने जाते थे कि वो कपड़े नहीं पहना करते थे, ठीक है। इस तरीके से जो जैन, आपने जैन साधु वगैरह देखे होंगे, उसमें इस टाइप के लोग आपने देखे होंगे। इनमें से जो दिगंबर है, दिगंबर जो है वो माने जाते थे कि वो बहुत ज़्यादा कठोर, मतलब कठोर जो नियम है जैन धर्म के, वो उनका पालन किया करते थे, ठीक है। जबकि श्वेतांबर देखा जाता है सफ़ेद वाइट कपड़े पहना वगैरह किया करते थे, उनके कुछ अलग रूल्स थे, ठीक है। तो याद रखना, जैन धर्म आगे चल के 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म त्रिपिटक की रचना कब हुई। आपको बताना है, बौद्ध धर्म हमने पहले ही पढ़ा, वो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, लेकिन उसकी रचना हुई कब थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, निर्वाण प्राप्त करना कि मतलब मृत्यु के बाद जब एक तरीके से उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद जब मतलब एक तरह से चले गए थे यहाँ इस दुनिया से, एक मोक्ष प्राप्त कर लिया था, उसके बाद इसकी रचना मानी जाती है त्रिपिटक की, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महायान और हीनयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महायान है और हीनयान है वो हमें किस धर्म से देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्ध धर्म में। जिस तरह से हमने पढ़ा कि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर बढ़ गए थे, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी आगे चलकर वो भी 2 संप्रदायों में बट गया था, ठीक है। एक थे हमारा महायान और दूसरा था हीनयान। संप्रदाय होता है जैसे किसी धर्म, मान लो किसी धर्म है, किसी धर्म में ही अगर कुछ लोगों के मतलब उस धर्म को मानने के कुछ लोगों के आचरण वगैरह, आचार विचार अगर एक दूसरे से अलग हों, ठीक है, मतलब कोई दूसरे तरीके से पूजा करना चाहता है, कोई दूसरे तरफ से पूजा पद्धति करना चाहता है, तो उसी धर्म में, सेम धर्म में, एक ही धर्म में दो वो अलग अलग संप्रदायों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म भी 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। इनमें से जो हीनयान थे, हीनयान तो वो थे जो बिल्कुल महात्मा बुद्ध के जो उनके जो कहे अनुसार चला करते थे, जो उन्होंने नियम बनाए थे उसी को फॉलो वगैरह किया करते थे, ठीक है। मतलब मूर्ति पूजा का खंडन करना, और ये मानते थे, सबसे बड़ी बात ये मानते थे कि जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, वो एक मतलब वो एक मानव ही है, वो कोई उसे देवताओं का अवतार या ऐसा कुछ नहीं मानते थे। वो कहते थे वो एक इंसान ही है, वो एक मानव ही है,
साथ में वो मूर्ति पूजा वगैरह के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन आगे चल के जो हमारा महायान है, महायान में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे मूर्ति पूजा वगैरह शुरू हो गई थी, ठीक है, बल्कि इन्होंने महात्मा बुद्ध की ही मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। इस तरीके से हीनयान और मेहान दो गुटों में बढ़ गया था। एक मूर्ति पूजा को मानता था, यानी कि महायान, जिन्होंने खुद भगवान को ही सॉरी जिन्होंने महात्मा बुद्ध को ही भगवान की एक तरीके से एक अवतार की उपाधि दे दी थी, ठीक है, कि वो एक ईश्वर के अवतार हैं। इस तरीके से महायान संप्रदायों के लोगों ने महात्मा बुद्ध को दिखाया, ठीक है, और वो उन्हीं की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करने लग गए थे। जबकि हीनयान जो है वो इसके उल्टा थे, वो नहीं मानते थे कि वो कोई अवतार थे, वो मानते थे वो भी एक इंसान ही है, एक मानव ही थे, ठीक है। वो उन्होंने जो भी शिक्षाएं दी, जैसे मूर्ति पूजा का मूर्ति वगैरह नहीं उनका पूजा करना चाहिए, ये सारा उन्होंने पालन किया। तो इस तरह आगे चल के बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान संप्रदाय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब कि जहाँ पे उन्होंने एक तरीके से देह त्याग किया था, उसके बाद वो फिर इस दुनिया से ही रुखसत हो गए थे, ठीक है। तो ये माना जाता है महामलम उनके देह त्याग की जो बात है, जो घटना है, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, कि यहाँ से उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो है यानी कि कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर में उनकी मतलब वहाँ पे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो बौद्ध साहित्य जो है वो हमें पाली भाषा में देखने को मिलता है, बुद्ध के बारे में जो भी लिखा गया वो पाली भाषा लैंग्वेज में देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, आपको जाते हैं महात्मा बुद्ध तो उनको बाद में नाम दिया गया था, लेकिन उससे पहले बचपन से उनका क्या नाम रखा गया था? ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था उनका बचपन से नाम। आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपिलवस्तु में उनका जन्म माना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिपिटक अभी हमने पढ़ा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक थी, लेकिन त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, त्रिपिटक, ठीक है, तीन पिटारियां बोला जाता है, ठीक है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीन टोकरियां, सरल शब्दों में समझ लो, तीन त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरियां या फिर तीन पिटारियां, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बुद्ध के उपदेश किस में शामिल है? किस में हमें देखने को मिलता है बुद्ध के उपदेश? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक में हम देखते हैं, जो त्रिपिटक का ही एक पार्ट है उसमें देखते हैं कि यहाँ पे अधिम पिटक में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, जो भी उन्होंने नैतिक शिक्षा या जो भी नैतिक जो भी उसमें वचन दिए हैं उससे पता चलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? इसमें याद रखना है, इसमें प्रथम पूछा है, जब जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे, तीर्थकार होता है जैसे तीर्थकार समझ लेते हो जैसे शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, वैसे जैन धर्म के पहले कौन थे शिक्षक जिन्होंने उनकी शिक्षा दी थी? ठीक है, तो पहला पूछा है तो पहला ऋषभदेव है। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इसमें महावीर लिख देते हैं, महावीर नहीं थे, पहले ऋषभदेव थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, बुद्ध इनमें से कौन से दृश्य देखे? बुद्ध जो है उन्होंने इनमें से कौन से दृश्य देखे थे? आपने उनकी कहानी पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसमें आंसर है वृद्ध व्यक्ति को, धनी व्यापारी को, एक सन्यासी को, या फिर ए और सी दोनों को। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और सी दोनों को, यानी उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को भी देखा था और एक सन्यासी को भी देखा था। ठीक है, अगर इसकी कहानी नहीं जानती है तो इसकी कहानी एक बार पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तुम्हें बहुत उससे ज्ञान मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि उनका पहला जो उपदेश था वो कहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो वो था सारनाथ में, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अशोकावदान है एक, जो अशोकावदान है वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है वो हमारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस में है?
मतलब जो मठ में वहाँ पे जो भिक्षु या भिक्षुणी रहा करते थे तो उनको किस प्रकार का नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है, तो उस नियम से रिलेटेड जो किस कहाँ पे लिखे गए थे वो नियम, किस पुस्तक के अकॉर्डिंग किया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विनय पिटक, जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। विनय पिटक के अकॉर्डिंग मठ मतलब उसमें वो नियम बताए गए हैं जो अगर आप मठ में रहते हो तो उनको कौन कौन से नियमों का पालन वहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप कब खोजा गया, सांची का स्तूप कब खोजा गया था 1818 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके 1818 में ढूंढा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी मूर्ति कला बौद्ध धर्म से जुड़ी नहीं है, आपको ये बताना है कौन सी इनमें से जो है मूर्ति कला वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नटराज, नटराज की जो शिवजी की मूर्ति है वो हमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं मिलती, बाकी तीनों शालभंजिका गजलक्ष्मी सर्प ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड देखे गए हैं। आगे चलते हैं, बुद्ध चरित के रचयिता कौन थे, हमें बताना है बुद्ध चरित जो है उसके उसको किसने लिखा था, ठीक है, तो उसको लिखा था अश्व घोष ने, यानी ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, अश्व घोष ने रचना की थी बुद्ध चरित की। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था यहाँ पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, ठीक है, किस शासक काल में हुई थी, वो थी कनिष्क के काल में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, भगवान बुद्ध ने जो 8 मार्ग दिखाए हैं उसके अंदर इन चारों में से कौन सा नहीं था, ठीक है, तो वो उन्होंने सम्यक चरित्र का जिक्र नहीं किया, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, सम्यक चरित्र का उन्होंने नहीं किया, बाकी सम्यक दृष्टि सम्यक वाक सम्यक स्मृति तीनों का जिक्र हमें देखने को मिलता है उनके अष्टांगिक मार्ग में जो उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया, भारत इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आया था इसका बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फाइयान आया था इन चारों में सबसे पहले भारत। आगे चलते हैं, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, सारनाथ में उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया अपना उपदेश दिया ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसको कहा क्या जाता है, आखिर पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ कि बुद्ध का पहला उपदेश जैसे हमने पढ़ा कि जब उन्होंने देह त्याग किया था तो उसको बोला जाता था महापरिनिर्वाण, ठीक है, तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों, ये आ जाता है एग्जाम में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वीर शैव यानी कि लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है, इन चारों में से कौन माना जाता है लिंगायत आंदोलन का जो जनक वो है ऑप्शन बी बासवन्ना, ठीक है, ये कर्नाटक में उदय हुआ था इसका, ठीक है, ये जाति धर्म ये सब बिल्कुल नहीं मानते थे जो हमें हिंदू समाज वगैरह में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल इसके खिलाफ थे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, महावीर स्वामी ने कौन सा मतलब इनमें से कौन सा जो रूल था वो उन्होंने जैन धर्म सिद्धांतों में जोड़ा था, ठीक है, बाकी सब पहले से थे, वो है ब्रह्मचर्य, इंसान को ब्रह्मचर्य यानी कि कभी विवाह नहीं करना चाहिए, आजीवन ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये था उनके सिद्धांतों में एक खास, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध मत जैन मत का उदय कब हुआ था, हमें बताना है जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म का इसका उदय जो समय काल है ये कब बताना है, ठीक है, तो इसका है हमारा ऑप्शन सी यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये बिल्कुल सही आंसर है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन मतों का उदय हुआ था हमारे भारत में। आगे चलते हैं, सांची के स्तूप को लेकर 19वीं शताब्दी में किसकी दिलचस्पी बढ़ी, सांची के स्तूप में वहाँ को ले जाने में और उनकी जो भी खूबसूरती उस पर आखिर किसकी नज़र पड़ी ये आपको बताना है, फ्रांसीसियों की चीनी यात्रियों की यूरोपियंस की या फिर ये पुर्तगालियों की, ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यूरोपियंस की नज़र पड़ी थी सांची के स्तूप पर और वो इसका सब कुछ ले जाना चाह रहे थे, ठीक है, हालांकि इसको बचा लिया गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, किस दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाए जा रहे थे, हमने पढ़ा ना जैसे सांची को तो चलो फिर भी बचा लिया गया लेकिन अमरावती को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था, ठीक है, तो इसके जो पत्थर थे वो कब लेके जाए जा रहे थे इधर से उधर, ठीक है,
वो है 1850 के आसपास हम देखते हैं कि अमरावती को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और इसके जो जो पत्थर इसमें लगे थे सब ले लेके लोग विदेशों में लेकर चले गए। ठीक है, जो हमारे यूरोपियंस थे, जो विदेशी हमारे भारत में आए थे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसके आगे के भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में करवाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो अब तक जितना भी आपको करवाया आप एक बार उसको पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, इससे पहले एक खास बात, अगर अभी तक किसी ने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है या फिर और जानना चाहते हैं तो बच्चों हमारा प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए पढ़ते रहो।